जब इनके जेन साहब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये नगर विकास और नगर निगम के माध्यम से बनता है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। पर मैं ये मानता हूँ कि आप जिन मांगों को लेके आ रहे हैं, आप उनकी पूर्ति के लिए सक्षम है कि नहीं, क्या आप तारतम्य में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा पाएंगे, क्या नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास या राज्य सरकार में आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस है कि नहीं, आप काम करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, जी, जी। और काम होंगे जी, वकीलों की एकता के बल पे होंगे जी, सारे लाइजनिंग होंगे जी। यूं नहीं है कोई काम करने वाला वही सब काम कर पाएगा जी, जी, जी। अधिवक्ता है, अधिवक्ता में दम है जी, तो बिल्कुल करेगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेहंदी शर्मा, अलर्ट राजस्थान कल आज और कल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहे दो उम्दा प्रत्याशी, जिनमें से एक हैं श्री मनीष जी श्रीमाली और दूसरी तरफ हैं श्री राकेश जी मोगरा। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्री मनीष जी श्रीमाली 19 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नगर निगम से कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और आप विपक्ष के नेता भी रहे हैं। आप अधिवक्ता हित और वकील आवासीय कॉलोनी को लेकर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए आए हैं, और दूसरी तरफ हैं श्री राकेश जी मोगरा, जो कि 22 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। आप वर्ष 2009 से 2010 के बीच बार एसोसिएशन के महासचिव रहे हैं और आपका मुद्दा है महिलाओं के लिए अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों के अलावा क्या कोई और भी उम्मीदवार है इस चुनाव के अंदर? एक उम्मीदवार और है जी, विवेक जी व्यास। अच्छा, तो मतलब आप तीन उम्मीदवार हैं इस चुनाव के अंदर जी, जो जी, हैं जी। ओके मनीष जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप किन मुद्दों को लेकर बार एसोसिएशन में, जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें किस मुद्दों को लेकर आप इस बार एसोसिएशन के चुनाव में खड़े हुए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने बोला कि कितने उम्मीदवार हैं जी, तो राकेश जी वैसा आपने बोला कि तीन उम्मीदवार हैं जी, तीन उम्मीदवार है तो तीसरा उम्मीदवार कहाँ है जी, ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। और मैं ये मानता हूँ कि तीन नहीं दो उम्मीदवार ही है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुद्दा चुनाव का है तो तीनों उम्मीदवारों को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक ऑलरेडी शायद पहले से ही अपना वो कर चुके हैं बायक, भाई ठीक है आप दो मेन उम्मीदवार हैं जी जी। और आपका मेहंदी जी, आपका और आपके चैनल का मैं हृदय के अंतर गहरे से अभिवादन करता हूँ कि आपने अधिवक्ता हितों के लिए जी ये आमने सामने का प्रोग्राम रखा है जी, और एक इस चुनाव को पूरा शहर देख रहा है जी, अधिवक्ता हित देख रहा है, अधिवक्ता वर्ग देख रहा है जी, और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं जी, वो सारे इस प्रोग्राम को देख रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं ये आपके मंच के माध्यम से और आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं ये मानता हूँ कि वैसे भी ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी, और ये निष्पक्ष, बेबाक और दबंग तरीके से कैसे अपनी बात रखेगा, और जो अधिवक्ताओं की जो समस्याएँ वगैरह लंबे समय से आ रही है जी, उनको किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। ओके जी, राकेश जी आप अपने मुद्दे बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर बार एसोसिएशन का जो चुनाव है उसके लिए आ रहे हैं? बार एसोसिएशन में हमारे अधिवक्ताओं का जो मुख्य मुद्दा है वो हाईकोर्ट बेंच आंदोलन है जी, जो करीब 44 वर्षों से चला आ रहा है। बिल्कुल, और अनवरत चला आ रहा है, नेतृत्व तो चेंज होते रहते हैं लेकिन अधिवक्ताओं का जो ये आंदोलन है अनवरत चला रहा है, और पिछली बार भी 109 दिन का आंदोलन हुआ था जी, काफी लंबा चला था ये। बिल्कुल, 109 दिन का आंदोलन था जी, उस आंदोलन में मैं 109 ही दिन अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन और धन से अधिवक्ताओं के हित के लिए अधिवक्ताओं के साथ में रहा हूँ मैं जी, 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 जी। और हर आंदोलन में, बार के कोई सा भी आंदोलन, कोई सा भी प्रोग्राम हो, मैं हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ और हमेशा अधिवक्ताओं के लिए 24/7 खड़ा रहता हूँ। तो सर क्या रीजन है, हाईकोर्ट बेंच हम क्यों नहीं ला पाए अभी तक? हाईकोर्ट बेंच के लिए क्या है कि कुछ तो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है, भले चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो जी, तो उनकी कुछ महत्वाकांक्षाओं के कारण, और सबसे ज्यादा
जो महत्वाकांक्षा जो है जो जोधपुर से हैं हमारे सीएम साहब अभी गहलोत साहब है जी। वो भी नहीं चाहते हैं कि हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित हो क्योंकि वो जोधपुर से है। जी जी नहीं वो एक रीजन अलग हो सकता है कि जोधपुर से है लेकिन अगर देखा जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जहां तक मैं देखती हूँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ ऑलमोस्ट 10-15 क्राइम्स होते हैं हमारे आसपास के छोटे छोटे एरियाज में चाहे वो सराड़ा है सलुम्बर है गोगुंदा है छोटे छोटे जितने भी झाड़ोल फलासी जितने भी गाँव है जहाँ पे छोटे मोटे क्राइम्स एवरी डे होते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं कई तरह की लूटपाट होती है घटनाएं होती है। अब इन छोटे छोटे क्राइम्स के लिए लंबी लंबी आपकी जो चलती है कह सकते हैं कि उनकी सुनवाई जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है फिर वो उसको आगे कर दिया जाता है फिर ये लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इतना खर्चा तो इस मुद्दे पर सरकार क्यों नहीं सोचती है। इस मुद्दे पे क्योंकि सरकार को हर चीज से अवगत कराया गया जी कि जो जनसंख्या का आधार है और जनसंख्या में भी जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाका जी सबसे ज्यादा जी मेवाड़ संभाग में है तो ये चीज सबको मालूम है जी कि इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं यहाँ पे आदिवासी लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले उसके लिए ही सारे वकील अधिवक्ता जो है जी प्रयासरत रहते हैं जी आंदोलन भी होते रहते हैं जी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे कारण आते रहते हैं तो वापिस वो आंदोलन ठंडा पड़ जाता है जी। फिर कोई जैसे अब मेरा ये कहना है कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं जी। तो हम सब अधिवक्ताओं को एक है जी। और सभी अधिवक्ताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस बार जो हाईकोर्ट बेंच की बात करेगा हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। जी 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 तो मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कांग्रेस की गवर्नमेंट है आप कांग्रेस के नेता रहे हैं क्या रीजन है कि हम तक नहीं आ पाई हाईकोर्ट बेंच। मैं ये मानता हूँ कि आप जैसा कह रहे हैं कि 44 वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है जी। अशोक गहलोत का तो ये तीसरा टेन्योर है जी 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 ठीक है जी। अशोक गहलोत मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति मेवाड़ में कमजोर रही है जी। इसके चलते हाईकोर्ट बेंच नहीं है ये और 2009 में जो एक लंबा आंदोलन चला था जी। उससे सरकार को झुकना पड़ा और उसी और तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने उदयपुर में स्टेट कमीशन की बेंच को स्वीकृत किया और अधिवक्ताओं की विभिन्न 25 मांगे थी जी। जिसको भी अशोक गहलोत सरकार ने स्वीकार की और सब तरफ कार्य किया अधिवक्ता हित में बहुत आज दिन तक की जितनी भी सरकारें बनी है जितनी अशोक गहलोत सरकार ने अधिवक्ताओं की मांग मानी है ऐसी और दूसरी कोई सरकार नहीं है ये जिसने ये मांग वगैरह मानी हो। मैं ये मानता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ा हुआ हूँ और अभी नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास से भी जुड़ा हूँ राज्य सरकार से भी जुड़ा हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो कड़ी है वो मजबूत होनी चाहिए आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए गवर्नमेंट में आपकी डायरेक्ट लाइजनिंग होनी चाहिए आप बात करते हो तो सरकार सुनती है जी। तो अगर गहलोत साहब इस मांग के लिए भली प्रकार से परिचित हैं और अभी भी 7 दिन पहले जब गहलोत साहब यहाँ पधारे थे तो उन्होंने ताज में भी एक मीटिंग चली थी तो उन्होंने यही बात बोली कि मेवाड़ की जो भी वाजिब मांग है जी। और जिस मांग को पूरी करने से अगर वोट बैंक बढ़ता है जी। और जनता लाभ प्राप्त करती है जी। तो मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि मेवाड़ की हर वाजिब मांग को मैं पूर्ति करूं। मैं ये मानता हूं कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को भी वो स्वीकार करेंगे जिस तरीके से उन्होंने स्टेट कमीशन की बेंच दिए अन्य ट्रिब्यूनल की मांग भी वो पूर्ति करेंगे और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर को दिलाएंगे। तो सर ये जो सर्विस ट्रिब्यूनल सेवा जो है ये सर्विस ट्रिब्यूनल सेवा अभी तक क्यों नहीं आ पाई यहाँ पर राज्य सरकार के अगर राज्य सरकार चाहे तो उदयपुर में सर्विस ट्रिब्यूनल सेवा आ सकती है तो क्यों नहीं आ पाई अभी तक। सर्विस ट्रिब्यूनल जो है आप जैसा कह रहे हैं कि स्टेट कमीशन जो आया है कंज्यूमर का जी। तो उसका प्रोसेस 2008 से शुरू हुआ है 2008 से उसका प्रोसेस चल रहा था तो उस प्रोसेस से ही जैसे ही वो उसका प्रोसेस पूरा हुआ और यहाँ पे राज्य विधि आयोग की स्थापना हुई। अच्छा तो इसके लिए इसका किसी को क्रेडिट नहीं जाता ये सभी अधिवक्ताओं का हित था और अधिवक्ताओं की मेहनत थी जिससे ये उनको देनी पड़ी उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है यहाँ की जायज मांग थी जो दी है उन्होंने। अच्छा
और वो इतना उग्र आंदोलन था जी। तो आप यूं ना सोचो कि उस उग्र आंदोलन की वजह से ये दिया हो, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल प्रोसेस से ही आया है। अच्छा। और हाईकोर्ट बेंच है, हाईकोर्ट बेंच के लिए हम प्रयासरत है, हमेशा ही रहे हैं और हाईकोर्ट बेंच भी प्रोसेस से ही आएगी, न थी कोई लाइनिंग से या ऐसे किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उसे नहीं आएगी। ये अधिवक्ताओं की मेहनत से और अधिवक्ताओं के हित और जो कार्यशैली जो आंदोलन का जो तरीका है उसी से आएगी। जी 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 बिल्कुल। और अब मैं जानना चाहूंगी मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगी कि काफी टाइम से एक जो चल रहा है कि 2009 से जो जितने भी जो प्रैक्टिशनल या नॉन प्रैक्टिशनल जो भी वकील जो भी यहाँ रहे हैं उनके लिए किसी तरह की आवासीय सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई। कई जगह पे आवासीय जैसे है कि भाई उनको भूखंड आवंटित कर दिए गए वो कर, लेकिन यहाँ पे ये सुविधा अभी तक नहीं आई है, तो उसका क्या रीज़न है? जब तक बेसिक हमारी जो वकील हैं उनकी सुविधाएँ पूरी नहीं होगी तो हम दूसरों के लिए कैसे लड़ पाएंगे, वो वाली चीज़। मैं जैसे पूर्व में भी कह चुका हूँ जी कि जब से मैं वकालत में आया हूँ तब से मैं ये एजेंडा सुनता आ रहा हूँ कि जो भी अध्यक्ष के प्रत्याशी होते हैं जी। वो ये मांग, जैसे हमारे मोगरा साहब भी अभी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि मांगे कॉमन ही है जी, जी। ठीक है ना, और जो लंबे समय से जो चली आ रही है वो के वही मांगे हैं जी। मैं ये मान रहा हूँ कि पूर्व में भी सेक्टर 11 में अधिवक्ता कॉलोनी स्थापित हुई है और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने वो अधिवक्ता कॉलोनी स्थापित करी है। आज की तारीख में मैं ये मान रहा हूँ कि पिछले लंबे समय से जी। इस विषय पर जी। सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इसकी ढंगसर से पैरवी हो जी। पिछली बार आप जानते हो पत्रकार वर्ग में भी आवासीय प्लॉट वगैरह आवंटित हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को भी आवासीय प्लॉट वगैरह आवंटित हुए हैं और दूसरे जो अन्य सोसाइटीज हैं, अन्य समाज वगैरह हैं, उनको भी भूखंड वगैरह मिले हैं। तो मैं ये मानता हूँ अधिवक्ता वर्ग एक मजबूत कम्युनिटी है, एक मजबूत एसोसिएशन है, उसकी मांग कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल, उस कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है और मैं ये मान रहा हूँ कि आप उस लाइन में है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो 100% तरीके से अधिवक्ताओं की आवासीय कॉलोनी और अधिवक्ता भवन उदयपुर में स्थापित करवा दूंगा। चलिए, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। राकेश जी आप बताइए इस बारे में कि आपको क्या लगता है। मनीष जी कह रहे हैं उनका मेन एजेंडा है कि भाई बिल्कुल मैं अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी ले आऊंगा और उनके लिए जो ऑफिशियली जहाँ कोर्ट के अंदर भी उनके लिए बैठने की सुविधा व्यवस्थाएं अच्छी की जाएगी जी, जी। तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? मेरा भी यही प्रयास रहेगा जी कि जब मैं वर्ष 2009 में जनरल सेक्रेटरी था जी, उस समय पहली बार इस ओर वकीलों से अवगत कराया गया, क्योंकि ये जो प्लॉट जो पहले आए थे वो 70-75 के आसपास की बात है। ओके। इस लंबे अंतराल के बाद में इस बीच कोई किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया जी। 2009 में हमने मुद्दा उठाया जी कि हाँ आवासीय कॉलोनी होनी चाहिए जी। इस चीज के लिए मैं भी राज्य सरकार की तरफ से वहाँ जाने के लिए, जयपुर जाने के लिए सारे अधिवक्ताओं को साथ लेके जाएंगे ना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जी और यूनिटी के साथ जाएंगे, कैसे नहीं करेंगे वो। बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी अगर किसी कमी से या किसी कारण से अगर रहता है जी, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं वकीलों के लिए एक पर्सनल लेवल पे जी एक प्लानिंग वकीलों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस में, जब तक वो आए उससे पहले एक प्लॉट की प्लानिंग और लेके आऊंगा मैं। अच्छा, आप पर्सनल लेवल पे आप कह रहे हैं? पर्सनल लेवल पे जमीन लेके नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अच्छा, ओके। जब तक वो नहीं होता तब तक इसका तो निस्तारण होवे। जी 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 बिल्कुल। तो सर 20 साल पहले भी नई कोर्ट के लिए जैसे शोभागपुरा में जमीन आवंटित हो रही थी उस वक्त भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दक्षिण विस्तार में भी 60 बीघा जमीन आवंटित हुई, पिछले एक साल से उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में सिटी से 100 किलोमीटर दूर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें आ रही है। मतलब कोर्ट के लिए, आप वकीलों के लिए, हाईकोर्ट बेंच के लिए, अलग अलग मुद्दों पे सब आप लोग जो कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? सरकार किसी एक मुद्दे पर आपकी बात सुन सकती है, अलग 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 मुद्दों पे अगर हम बार बार, हम सेल्फ लेवल पे भी अभी तक स्ट्रांग नहीं हुए तो हम इतनी बड़ी चीज पे आगे कैसे जाएंगे? आपने जैसे बोला ना दक्षिण विस्तार में जी, दक्षिण विस्तार वाला अभी हाईकोर्ट से
बात चल रही है और अप्रूवल भी हो चुका है वहाँ का okay, नई कोर्ट जो है वो वहाँ पे स्थापित करे okay. लेकिन अधिवक्ताओं का ये उनकी ये मांग है कि ये सिटी के बीच में है जी. आदिवासी बेल्ट है जी. और कोई भी आता है तो जैसे उदयपुर उतरता है या चटक उतरता है तो सीधा कोर्ट आने में उनको ज्यादा नहीं लगता है. दक्षिण विस्तार में जाने का मतलब कोई झाड़ोल से आ रहा है या कोई बेकरिया से आ रहा है तो वो उदयपुर से उतर के दक्षिण विस्तार से जाएगा. तो सभी अधिवक्ता इसी बात पे मंथन कर रहे हैं जी. क्यों ना जो हमारा जो कोर्ट है जी. वो कोर्ट वहीं रहे. आसपास में माइंस एंड जूलॉजी वाला डिपार्टमेंट है वहां पे इतना काम वो खाली है जी. इधर तहसील वाला है तो क्यों ना इन चीजों को मिला के जी. यहीं पे कुछ न कुछ ऐसा किया जाए. पहले भी कोई बात चली थी जी. माइंस एंड जूलॉजी को इसमें मिलाने या कलेक्टर बंगलो का है तो इन सब को शामिल अगर कर लेते तो इस शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा. क्योंकि ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जी. क्योंकि जो भी क्लाइंटेज आते हैं तो वो बाहर से ही आते हैं जी, जी, बिल्कुल. तो उनकी सुविधा की दृष्टि से देखते हो क्योंकि सस्ता और सुलभ लाभ कैसे न्याय कैसे मिलेगा जी, जी, जी. जब वो पास ही उनको मिल जाएगा. मैं इस चीज पे थोड़ा सा आपसे एक एक शायद आपकी राय से थोड़ा सा अलग सोचती हूँ. इंसान जब बीमार होता है तो इलाज के लिए दूर जाता है राइट. अगर हमें अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो हम गीतांजलि भी जाते हैं, हम पैसिफिक भी जाते हैं. ये दोनों दूर 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 है. लेकिन जो कोर्ट है वहाँ पे क्रिमिनल्स भी आते हैं. कई बार हमने अखबार में ये भी चीज़ें पढ़ी है, गोली चल गई, हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई. ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे कोर्ट है उसके आसपास पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, सामने हॉस्पिटल है. अगर ये दूर चली भी जाती है और अगर वहाँ तक आना भी पड़ता है लोगों को तो इसमें क्या तकलीफ है? वैसे सिक्योरिटी के मामले में कोर्ट में पूरी सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योरिटी रहती है जी. ऐसा नहीं है कि वो अनसेफ है. नहीं बिल्कुल अनसेफ नहीं सर. मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर वो चली भी जाती है और अगर लोगों को वहाँ पहुँचने की दिक्कत की बात है तो कनेक्टिविटी हम अवेयर कर सकते हैं. मेन तो चीज कनेक्टिविटी के लिए है ना जी. अपन जोधपुर जाते हैं तो वो क्लाइंट कैसे है जी. अगर यही न्याय मिलता है तो वो जोधपुर क्यों जाएगा 250 किलोमीटर जी. तो वो यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, गांव से यहाँ तक आता है, यहाँ से वापस जाता है. तो वहां से आने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शहर से वापस वहां जाने में प्रॉब्लम होती है. तो वो चीज एक मेरे पास है आदिवासी. तो क्या ये आपसी सहमति से हो रहा है या अंदर के विरोध की वजह से ये योजना? ये एक विचार विमर्श चल रहा है. अच्छा. क्यों ना ऐसा किया जाए. ओके ओके ओके. आपकी क्या राय है मनीष जी? मेरा आपसे ये निवेदन है, विचार विमर्श नहीं चल रहा है जी. वहाँ बलीचा दक्षिण विस्तार में क्योंकि न्यायालय के लिए जमीन राज्य सरकार ने आवंटित कर दिए okay. वहाँ पर बोर्ड भी लग चुके हैं. अच्छा. और राज्य सरकार ने जमीन वहाँ पे उपलब्ध करवा दी है. और मेरा ये मानना है जी. कि दक्षिण विस्तार अभी तक पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है. इट टेक्स टाइम, उसको समय लगेगा. अच्छा. और शहर में बहुत सारे लोग जाने अनजाने में गरीब वर्ग होते हैं, उनको कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है. जाने अनजाने में वो अपराध कर लेते हैं बिल्कुल. तो उनके पास पैसा भी नहीं होता है जी. तो वो जगह मैं राकेश जी की बात से समर्थित हूँ कि उनको वहाँ जाने में दिक्कत आएगी जी. और उनके पास शायद टेम्पो का किराया नहीं हो, बस का किराया नहीं हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी आ सकती है कि वैसे भी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है. तो अगर उनको अगर इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो मैं ये मानता हूँ लीगल एड से एक फ्री व्हीकल भी अगर वहाँ पे चले तो उनको वो सुविधा मिल सकती है. दूसरा सकती है, वो कोर्ट अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेके एक सुविधा उपलब्ध करवा सकता है. एक 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 तरह से इनिशिएटिव ले सकते हैं अधिवक्ता कि भाई ठीक है हम एक सेवा उपलब्ध करवाते हैं कुछ इस टाइप के जो नहीं कर सकते हैं अफोर्ड उनके लिए वो वाली चीज. दूसरा मेरे ये निवेदन था जैसे राकेश जी बता रहे थे जी. पास में माइनिंग का ऑफिस है, कलेक्टर बंगलो है जी. ये दोनों बहुत बड़े प्रीमिसेस हैं, बहुत बड़े प्रीमिसेस. और मैं ये मानता हूं कि इन दोनों प्रॉपर्टी को ही अगर गवर्नमेंट अगर एक बार एक्वायर कर लेवे. अच्छा. और यहीं पे एक बार न्यायालय ढंग से सुचारित हो जाए. माइनिंग में मुश्किल से 40-50 लोगों का स्टाफ है. अच्छा. मैक्सिमम 100 लोगों का स्टाफ है ना. पब्लिक बहुत, वहां पे पब्लिक की आवाजाही भी कम है. जी, तो जी. मैं ये मानता हूँ कि एक बार जी. प्राइमा फेसी में प्रथम दृष्टया अगर इनको ये दोनों भवन अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं. अच्छा. तो हमारी एक बार की पार्किंग की समस्या भी दूर हो जाएगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही है जी. वो भी दूर हो जाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्या, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी देखा है कि कोर्ट के अंदर ना तो प्रॉपर बाहर जो वकील है ना तो प्रॉपर बैठने की सुविधा है, ना प्रॉपर कैंटीन है, ना प्रॉपर लेडीज़ के लिए भी स्पेशली मुझे लगता है कि किसी तरह की सुविधा कोर्ट परिसर में नहीं है। तो ऐसा क्यों, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ इतना अच्छा खासा, आप बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट जो बार इतने सालों से जैसे बार एसोसिएशन चल रही है, इतने सारे अधिवक्ता अध्यक्ष बने, सब कुछ हुआ, तो क्या कभी कोई महिला अधिवक्ता अध्यक्ष पद के लिए क्यों अपने आप को नहीं कर पाई खड़ा और अपने हित के लिए वहां पे किसी तरह की मांग नहीं? मेरा इसमें कहना है कि महिला अधिवक्ता रही है प्रमोद जी बख्शी, तो उनके रहते हुए भी ये सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हो पाई? ये बहुत पहले की बात है, जब वकीलों की संख्या कम थी जी, उस समय ये जगह मतलब छोटी नहीं थी जी, लेकिन बहुत बड़ी आज थी। आज की तारीख में क्या है कि महिलाओं की संख्या भी बड़ी है, बिल्कुल, और अधिवक्ताओं की संख्या क्या भी बड़ी है, बड़ी है। मेरे हिसाब से शायद 3000 से ज्यादा वकील होंगे। तो मेरा यही मुख्य ध्येय रहेगा कि जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए बैठने के लिए अलग से सुविधाएं हो, जो अभी कॉमन रूम है वो छोटा है, तो मेरा ये रहेगा कि कॉमन रूम को बढ़ाया जाए, लेट बाथ बढ़ाया जाए, और बैठने के लिए चैम्बर्स के जैसे लिटिगेशन शेड में भी बैठे हुए हमारे जी, जी, जी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे जेल के पीछे वाली जो है जगह वो खाली पड़ी हुई है, उनका भी परमिशन हाईकोर्ट में, पहले कोर मैडम आए थे, उन्होंने इसको परमिट किया था, लेकिन किसी कारणवश अब क्या रहा इसका भी मैं प्रयास करूंगा कि वो परमिशन आने के बाद वहां पे बिल्डिंग नहीं बनी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि वहां पे 4 या 5 मंजिला चैम्बर्स का निर्माण कराऊं जी, ताकि सारे अधिवक्ताओं को एक साफ सुथरी जगह पे बैठ सके और स्वच्छ वातावरण में अपना काम कर सके और क्लाइंटर्स को जानकारी दे सके। मनीष जी, आपका क्या कहना है इस बारे में, जैसे महिलाओं को लेकर सर का कहना है कि भाई आवंटित करी जा चुकी थी वहां पे किसी कारण से, क्या इंटरनल पार्ट में ही इतनी राइवलरी रहती है कि एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता? मैं ये मानता हूँ जी कि इच्छा शक्ति और आपकी कनेक्टिविटी जी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है जी, जी, जी। आप जैसेपुर में भी महासचिव रहे जी, आप क्या उस समय ये समस्या नहीं थी? बिल्कुल वही मैं, ठीक है, 2000 और ये लंबे ये ये, ये 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 लंबे समय से मैं जो बता रहा हूँ, बैंक की स्थापना हुई थी, कॉमन रूम वगैरह थे, ये पूर्व में बन चुके थे जो थे आपके टाइम में थे, और दूसरा ये है जाके नहीं, आप देखिए मेरे कार्यकाल में बैंक हुआ या नहीं हुआ, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं हुआ? मैं ये मानता हूँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ये नगर विकास और नगर निगम के माध्यम से बनता है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। सर, उद्घाटन करना अलग चीज है, बनना अलग चीज है, परमिशन लेना अलग चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उद्घाटन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके टाइम में नहीं बना, वो पहले बना हुआ था, बैंक आया होगा। मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि आप जिन मांगों को लेके आ रहे हैं आप उनकी पूर्ति के लिए सक्षम है कि नहीं, क्या आप तारतम्य में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा पाएंगे, क्या नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास या राज्य सरकार में आपका डायरेक्ट इंटरफेरेंस है कि नहीं, आप काम करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। और काम होंगे जी, वकीलों की एकता के बल पे होंगे जी, सारे लाइजनिंग होंगे, यूं नहीं है कि कोई काम करने वाला वही सब काम कर पाएगा जी। अधिवक्ता है, अधिवक्ता में दम है तो बिल्कुल करेगा, बिल्कुल है, अधिवक्ता में दम है, इसमें कोई दोराय नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता किसी, अधिवक्ता एकता किसी भी पार्टी की मोहताज नहीं है। जिस तरह से मनीष जी बता रहे हैं कि कांग्रेस ये वो ये, तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, सर्वोपरि है अधिवक्ता हित। मैं कांग्रेस या बीजेपी किसी की माला वगैरह नहीं जप रहा हूँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपन क्या विकास करा सकते हैं, अपन किस तरीके से, क्या डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को अवसर दें जिसका डायरेक्ट लिंक हो और अधिवक्ता हित को रखते हुए ही काम की बात करें। मैं कोई पर्सनल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राकेश जी के पर्सनल की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हित की बात कर रहा हूँ, अधिवक्ता हितों के लिए ही बात कर रहा हूँ और अधिवक्ता साथियों को साथ में लेके ही बात कर रहा हूँ। ये जो मांगे मेरी व्यक्तिगत मांग नहीं है, मैं ये अधिवक्ता हित की लंबे समय से मांग चली आ रही है, उस मांग को
पूर्ति करने के लिए मैं अपने आप को सक्षम समझता हूं और सरकार में डायरेक्ट हस्तक्षेप रखता हूं, नगर विकास प्रन्यास यूआईटी राज्य सरकार सब में हस्तक्षेप रखता हूं। मैं ये मानता हूं अगर अधिवक्ता वर्ग मेरे को यहां पे चुनते हैं तो 100% जो विकास की जो मांग है वो माननीय राजस्थान सरकार उसकी पूर्ति करेगी। ये एक ही चीज पे चल रहे हैं कांग्रेस जी, इतने साल से सीएम साहब, इतने साल 70 साल से कांग्रेस है, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ जी। तो आप भी 16, मेरे को 22 साल हो गए, आपको 16 साल हो गए, 19 वर्ष हो चुके हैं, मेरे को 22 साल, 22 साल हो चुके हैं, आपको 16 या 17 साल, 19 साल हो गए जी। तो अभी ये कर रहे हैं तो आप पहले भी तो सरकार थी, पिछली बार कर लेते ना, ऐसा क्या कर लिया आपने? अधिवक्ताओं के लिए कुछ किया हो तो बता दो। पर वो होता है ना सर कि बिना पद के प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। Exactly. तो जब पद आएगा तो शायद आगे काम बढ़ेंगे। पद तो की जरूरत नहीं, मैं बिना पद के, मैं बिना पद के भी काम किया हूँ। अच्छा, संघर्ष किया हूँ वकीलों के लिए। जी जी जी। यूनिक पद आने के बाद कुछ किया है जी जी जी। 2009 में था, ठीक है, 2022 चल रहा है जी। तो इस बीच में मेरे पास कोई पद थोड़ी था, तो भी संघर्षरत था। अच्छा। हाईकोर्ट में आंदोलन में मेरे खिलाफ मुकदमे हुए। अच्छा। उन मुकदमों को झेला है, सब कुछ खुशी खुशी किया है जी जी जी। और अधिवक्ता हित और उनके संगठन और उसके सबके लिए जी, मैं तन मन और धन से बार एसोसिएशन अधिवक्ता हित के साथ हूँ, और अधिवक्ताओं के लिए अगर कहीं जान भी नहीं पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो ये बहुत ही मैं ये मानता हूँ कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता जी। संगठन में शक्ति है और सब संगठित होके ही किसी आंदोलन को क्या कह कर सकते हैं। मैं नहीं होता है, हम होता है, और हम सब मिलके जो हमारी आवासीय कॉलोनी, अधिवक्ता भवन वगैरह, ये जितनी भी महिलाओं की जो बेसिक नीड्स है, जो कॉमन रूम्स वगैरह, जो चैम्बर्स की व्यवस्था वगैरह की बात हो रही है, जो पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, जो परिसर की बात है, हम सब मिलके इस मांग की पूर्ति करवाएंगे। और मैं ये मानता हूँ अगर मैं चुना जाता हूँ तो ये मांगे 100% रूप से पूर्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी सोच के साथ दोनों आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को लेकर कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाई जाएगी, उदयपुर में अधिवक्ताओं के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी, उदयपुर में जो महिलाएं हैं उनके लिए काफी सारी अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएगी। अब पुनः आते हैं चुनाव के मुद्दे पर, चुनाव की आचार संहिता क्या लागू हो चुकी है? हो गई है। अच्छा, तो क्या आपने अपने समस्त जितने भी आपके साथ में सचिव, महासचिव जो भी हैं, क्या उन सब की सूची प्रकाशित हो गई है? प्रकाशित कर दी है, बिल्कुल। तो क्या उसमें कोई क्राइटेरिया रहता है कि प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वही लिए जाएंगे या नॉन प्रैक्टिशनर्स को भी लिया जाएगा इस ग्रुप के अंदर, या जो आप लोग जिस तरह से सिलेक्शन जो आप लोगों का रहता है वो किस आधार पे आप लोगों ने किया है? आपने जो अपना एक जो एक ग्रुप बना जी वोटिंग के अंदर जी, वोटिंग में सिलेक्शन वो बार एसोसिएशन का मुद्दा है, वो जनरल हाउस का मुद्दा है। अच्छा। जो जनरल हाउस, क्योंकि जनरल हाउस ही मेन होता है जी, बिल्कुल, क्योंकि जनरल हाउस ही डिसाइड करता है और जनरल हाउस ही सर्वोपरि होता है, बिल्कुल, जनरल हाउस और संविधान जी। जैसे कि हमारे इलेक्शन जो है संविधान अनुसार दिसंबर में हो जाते हैं, बिल्कुल, इस बार क्या है कि जनवरी आ गया है। तो ये डिले क्यों हुआ? ये डिले अब साल भर तो मैं कुछ बोलना अभी उचित नहीं समझता हूँ, ये इंटरनल बातें हैं। okay. लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से 18 नवंबर को जो अधिसूचना जारी होनी थी और दिसंबर जो 4th संडे है उसको इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन नहीं होके अभी इलेक्शन हो रहे हैं 22 जनवरी को जी। तो ये जो टाइम जो संविधान की अवहेलना हुई, अगर मैं अध्यक्ष बनता हूँ मैं पूरे मेरे संविधान की पालना करूंगा जी। अगर मैं इलेक्शन में जीत भी जाता हूँ जी, तो मैं संविधान के अनुसार तय समय पे चुनाव कराऊंगा जी। ये मेरा मुख्य ध्येय है। इसमें भी जिस तरह से इस बात में राकेश जी के समर्थन में निगरण किए गए इलेक्शंस को लेके किसी की भी आड़ में किए हो जी, जी, जी। तो मैं यही है कि मैं समय रहते इलेक्शन कराऊंगा और मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, उनका पालन करूंगा जी। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं, लेकिन यही चीज फिर से हो रही है कि एक गुट है जो अपने ही ग्रुप के लिए अलग प्लानिंग कर रहा है और एक तरफ आप हैं जो कह रहे हैं कि हम सभी अधिवक्ता एक हैं और हम आगे जाके इस एक ही मुद्दे पर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो ये दो अलग अलग विचारधाराएं कैसे हैं?
एक ही तो विचारधारा है। नहीं सर, आपने अभी कहा कि किसी रीजन से, मैं नहीं बताना चाहता क्यों डिले हुआ, ये हुआ, तो क्या ये इंटरनल पॉलिटिक्स है कि जिसकी वजह से दोनों? नहीं, इंटरनल कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ओके। ये जो जिस हिसाब से हमारे जो कार्यकारिणी, जो पिछली वाली कार्यकारिणी है जी, तो उनके कुछ काम कोई रह गए होंगे, कुछ है तो उनको करने के लिए जो भी कर रहे हैं जी जी, तो उस हिसाब से जो लेट है, लेकिन ये समय रहते भी कर सकते थे। वही वही चीज की समय रहते हो सकता था। अब उनमें कोई इच्छा शक्ति की कमी रही होगी जी जी, ऐसा कुछ रहा होगा, इस वजह से हुआ। लेकिन एंड टाइम पे जाके जो हुआ है, जो डिले हुआ है जी, तो मैं यूं कह रहा हूँ कि मैं संविधान के अनुसार बलि में जनवरी में हो, जनवरी में आता हूँ, तो मैं तय संविधान में जो लिखा हुआ है उसी अनुसार मैं इलेक्शन करवाऊंगा। अच्छा, तो क्या आप भी इस चीज से पूर्णतः सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूर्णतः पूर्णतः संविधान की पालना होनी चाहिए, नियमों की पालना होनी चाहिए। और जो हमारा वैसे भी अगर दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं जी, तो एक चुनावी मोड रहता है, सभी अधिवक्ता उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं जी, और दिसंबर में कोशिश करते हैं कि तारीखें वगैरह नहीं लें, नहीं ले। और क्या कहे, चुनाव के माहौल में सभी अपनी सहभागिता निभा सकें, परंतु इस बार ऐसी स्थिति नहीं रही है। और क्या कहे, मैं ये मानता हूँ कि क्या कहे, मैं चुनाव जीतता हूँ तो संविधान की अक्षर से पालना करूंगा, और अगर उसमें कोई रुकावट आएगी तो जनरल हाउस को बुला के उसको क्लेरिफाई करवाऊंगा और समयबद्ध चुनाव कराएंगे जी। जी, एक सवाल है मेरा कि बार एसोसिएशन ने जो है संविधान के अनुसार नामांकन प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, आप लोगों की तरफ से जो भी आपने नामांकन भरे, जिन आपके जो भी साथ में है कैंडिडेट्स, उन सब के लिए तो जो जांच होकर वैध प्रत्याशियों की सूची बोर्ड पर जो चस्पा कर दी गई, उसके पश्चात कमेटी पर भूतपूर्व कार्यकारिणी का एक दबाव बनाकर चुनाव कराने का कारण आ रहा है कि एक तरह का दबाव बनाया गया कार्यकारिणी द्वारा, या डिले किया गया कि किसी तरीके से कि कोई जानकारी, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है? आपका मनीष जी इस बारे में क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आप दोनों से मेरा एक और मुख्य सवाल है कि राजस्थान स्टेट बार काउंसिलिंग द्वारा केवल मात्र 1 बार 1 वोट की ही पालना करने के लिए कंडीशनल डाल रखी है, तो ये जो नॉन प्रैक्टिशियंस हैं और प्रैक्टिशियंस की जो सूची है उसका कोई नियम नहीं है, या इसके बावजूद कोई सूची बनाई गई है, इसका क्या कारण है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? 1 बार 1 वोट के लिए हमारी बार एसोसिएशन ने सभी अधियुक्ताओं से शपथ पत्र ले लिए है जी, उसकी जो पालना थी वो अपने बार एसोसिएशन ने कर ली है जी जी जी, तो इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। अच्छा, और जो अगर कुछ आप कह रहे हो प्रैक्टिस नॉन प्रैक्टिस, उसके लिए वो जनरल हाउस, मैं अकेला कुछ नहीं बोल सकता। ओके। क्योंकि जनरल हाउस सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, तो जो जनरल हाउस डिसाइड करेगा वो हमको माननी है। माननी, आपका भी यही विचार है? जनरल हाउस सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की जो गाइडलाइन है वो सर्वोपरि है, और हमारा बार का जो संविधान है वो सर्वोपरि है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि जो अभी जो नए बच्चे होते हैं, जो नए नए जो लॉ पढ़ रहे हैं, या जो बच्चे पढ़ के इस फील्ड में आ रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, तो इस फील्ड में आने पर आपकी तरफ से एज अ अध्यक्ष आप अपने क्या सुझाव देना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की प्रैक्टिस रखनी चाहिए? मेरा यही रहेगा कि जो भी नए अधिवक्ता आते हैं तो उनको सर्वोत्तम एक अच्छी जगह दी जाए जी, सबको मतलब जो जो जूनियर्स आ रहे हैं जिनको जो पसंद है उन अधिवक्ताओं के साथ रहे जी, और मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं वेलफेयर फंड के लिए हर वकालतनामे के साथ में ऐसा कोई योजना बना रहा हूँ जिसमें क्या है कि जो यंगस्टर जितने भी अधिवक्ता है उनको हर वकालतनामे पे या मंथली ऐसा कुछ मिल जाए जी, इस ओर प्रयास करने का हर संभव प्रयास करूंगा। ओके, आपका क्या कहना है मनीष जी? मेरा ये है कि समय समय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने भी नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं उनके बारे में सोचा है जी, और मैं भी उसी क्रम में जो नए अधिवक्ता वगैरह आ रहे हैं उनको कोशिश करके, हमारा जो वेलफेयर का फंड है, जैसे आप मोगरा साहब जिस तरीके से बता रहे थे जी, हम क्या के कोई स्टाइफंड का प्रोविजन करेंगे जी, कि वो आए जी, न्याय विधि की पूरी जानकारी लें, विधि में की पूरे परिपक्व हों और अपडेट रहें जी, इसके लिए जो भी संसाधन उनको उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होगी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। बिल्कुल।
बिल्कुल जी जी। तो ये नए अधिवक्ता जो जो बच्चे या जो परिवार जो सोचते हैं कि अगर बच्चों को इस फील्ड में भेजना है हमें, तो हमारे दोनों ही प्रत्याशी इस तरफ अपना एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास कई अच्छे कह सकते हैं कि सुझाव हैं। और अगर हम कहें तो हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ इस चुनाव को लेकर अपना एक मानस बना सकते हैं कि हाईकोर्ट बेंच आए और अच्छे से जो हमारे जितने भी न्याय के लिए जो लोग दौड़ रहे हैं या न्याय के लिए जो लोग गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि जल्दी सुलभ न्याय उनको मिल सके, उसके लिए भी दोनों अधिवक्ता जो हैं प्रयासरत हैं। तो मेरा आप दोनों को कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने व्यस्तम शेड्यूल से अपना एक टाइम निकाल कर हमारे इस चैनल के लिए आए। और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। और कल जो हमारी मांगे थी, आज भी हम उन्हीं मांगों के साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कल में भी हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें उदयपुर के लिए, उदयपुर संभाग के लिए और उदयपुर की जनता के लिए। तो थैंक यू सो मच अलर्ट राजस्थान की टीम की तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।